क्या माँ, क्या क्या हो रहा है? हाँ, कर कर कर। ऑलराइट, सो आज है संडे और कल रात को मैं सोच रहा था कि रात भर मैं कोई मूवी वगैरह देखूंगा, नेटफ्लिक्स में कोई शो देखूंगा और आराम से कल सुबह 11-12 बजे उठूंगा। बट लेकिन नहीं, कल रात को अचानक से मेरे मॉम और डैड का प्लान बना। बोलते हैं कि बेटा चलो कल चित्रकूट घूमने जाएंगे। मैं बोला पापा मेरे को तो सोना है, हर दिन जिम की वजह से मैं सुबह सुबह उठ रहा था। बोले कि नहीं, चलना है तो चलना है। मैं बोला ठीक है पापा। तो उसके बाद हमारा प्लान बना कि हम जाएंगे चित्रकूट वाटरफॉल, हम चारों, मैं, मम्मी, पापा और मेरी बहन। और चित्रकूट, अगर आप सभी को नहीं मालूम है तो चित्रकूट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वाटरफॉल इन आर एशिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाटरफॉल है। और यू नो, अब्रॉड से, फॉरेन से बहुत सारे लोग आते हैं चित्रकूट को देखने। और चित्रकूट जहाँ पे है वहाँ पे और भी ढेर सारे वाटरफॉल्स हैं, जैसे तीरथगढ़ और गुफाएं वगैरह हैं। बट हम पर्टिकुलरली चित्रकूट वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। मैं जब छोटा था, अराउंड 5-6 साल पहले गया था, उसके बाद गया ही नहीं। ज़्यादा दूर नहीं है कोंडागांव से, कोंडागांव से सिर्फ 70 किलोमीटर्स हैं, तो हम लोग फिर से जा सकते हैं और वापस रात को अंधेरा होने से पहले आ सकते हैं। तो वी हैव दैट प्लान टुडे, तो देखते हैं कि आगे का प्लान कैसे चलता है। और चित्रकूट जाके एंजॉय करके जब वापस आते रहेंगे, ऑन द वे बैक मैं जाने वाला हूँ अपनी मम्मी के घर। एंड मेरी मम्मी का गांव है चित्रकूट से, अराउंड 20-30 किलोमीटर ऑन द वे बैक पड़ जाएगा। तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ और लिटरली मैंने पिछले 15 साल से अपनी मम्मी के गांव नहीं गया हूँ मैं। और वहाँ के लोग मुझे देखेंगे तो आई डोंट नो क्या रहेगा उनका रिएक्शन। जब मैं बहुत, आई मीन बहुत छोटा था, स्कूल में अराउंड 3rd-4th क्लास में था, तब गया था मैं। और आज सोच रहे हैं कि आज हम जाके विजिट करें अपनी मम्मी का पुराना गांव, मतलब मम्मी जहाँ पे पैदा हुई है और पली बड़ी है। मतलब पली बड़ी बड़ी तो यहीं कोंडागांव में हुई है, बट पैदा वगैरह वहीं पे हुई थी और वहीं पे अभी भी सारे घर, ज़मीन वगैरह वहीं पे है मम्मी के। तो वहाँ जाने वाला हूँ। और जाने से पहले मम्मी बोल रही है कि यार कैसा दिख रहा है तू, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया है? दाढ़ी मैं इसलिए बढ़ा रहा था कि मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि तेरी स्ट्रेट स्ट्रेट दाढ़ी आती है तो थोड़ा बढ़ा के देख अच्छा लगेगा, और तो इसलिए मैं बढ़ा रहा था। और मुझे भी वैसे ज़्यादा बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ पसंद नहीं है। तो अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मेरा थोड़ा जो कन्फ्यूजन है वो कम हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि मुझे दाढ़ी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। मम्मी तो अभी फ़िलहाल बोल रही है कि थोड़ा ट्रिम कर ले, इंसान जैसे दिख, थोड़ा बच्चा दिख, नहीं तो लोग बोलेंगे कि बिट्टू तो हम लोग से बड़ा हो गया, बुढ़ा लग रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ट्रिम कर लूँ। और अगर आप मेरे को बोलेंगे कि कीप इट लॉन्ग, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं इसे लंबा करूँगा। एनीवेज, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जाते हैं, नहाते धोते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। मम्मी क्या कर रही है? हम तितली आसन कर रहे हैं। तितली आसन? देखो मैं तो हमेशा संडे को ऑफ ले लेता हूँ ताकि मेरा मसल रिकवरी हो, लेकिन मम्मी कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर रही है, शी जस्ट डू योगा। और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मम्मी गैप करती है ना मम्मी। योगा करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को अच्छा महसूस कर, सुपर ह्यूमन है ना, पावरफुल। और मम्मी पिछले 2 दिन से इतनी इतनी ज़्यादा खुश है कि फाइनली हमें एक दीदी मिल चुकी है जो मम्मी को हेल्प करेगी, बर्तन मांजेगी, पोछा मारेगी। और तो मम्मी के मुंह में चेहरा खुशी, देखो खुशी, देखो देखो वहाँ पे काम चल रहा है और मम्मी यहाँ पे आसान एकदम आराम से योगा कर रही है। तो मम्मी इज़ वेरी हैप्पी कि कोई तो मिल गया है मम्मी को हेल्प करने के लिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो मैं तैयार होके, नहा धो के रेडी हो चुका हूँ एंड आई एम लुकिंग वेरी फ्रेश आई गेस। कमेंट करके बताइए कि आपको वो लंबी वाली दाढ़ी पसंद है कि ये छोटी छोटी वाली। तो एनीवेज हम लोग सब रेडी हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट हम लोग घर पे नहीं किए हैं क्योंकि प्लान बना कि हम बाहर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। घर वालों ने चाय कॉफ़ी पी ली है, मैंने अपना प्रोटीन शेक दबा लिए हैं, बाहर चलते हैं, आप कहीं पर ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली निकलते हैं चित्रकूट के लिए। ने आधा रास्ता तय कर लिया है और रोड यहाँ की एकदम मक्खन मलाई जैसे है। गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे को नहीं, पापा को, पापा दिए नहीं मेरे को, लेकिन आई नो कि मैं अपने पापा से ज़्यादा अच्छा गाड़ी चलाता हूँ। एनीवेज तो हमने खाया है डोसा एकदम डट के और चाय भी पी ली है और एकदम बढ़िया एनर्जेटिक लग रहा है, एक्साइटेड फॉर सी वाटरफॉल। अभी है करेंटली भानपुरी में और यहाँ से और 30 किलोमीटर है तो हम पहुँच जाएंगे। और मेरी माँ वहाँ पर ले रही है, वो देखो वहाँ पर
वहाँ पे मॉम ले रही है फल वगैरह और थोड़ा मिठाई, क्योंकि वो अपने मायके जा रही है काफी टाइम के बाद, और मैं जा रहा हूँ 15 साल के बाद। तो भी फंड है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो मालूम है ना अर्चना का मतलब क्या है? अभी पता है, लेकिन अरे मैं सही में बोल रही ना कि मैं एक बार भैया बोला था ऐसे बोला था कि मम्मी की ना नानी और मम्मी ना क्या चना खा रहे थे, इसलिए उसका नाम अर्चना रख दिया। बहुत छोटा होगा तब यार। अच्छी बन गया ना सड़क, मिलेगा पूरा चित्रकूट तक, शानदार सड़क। लेकिन मैं अच्छा चला लेता हूँ, पापा से ज्यादा अच्छा गाड़ी चलाता हूँ, है ना मम्मी? पापा से अच्छा ना चाहोगे? पापा से अच्छा चलाता हूँ। बच गए मुर्गी लोग, दबता तो खाते जाके। शायद यार मंदिर में बचपन में आया हूँ, है ना? वाह क्या लग रहा है यार, मैं आया हूँ मम्मी शायद तेरे ही साथ। चित्रकूट जाने से पहले मेरी माँ के गाँव के पास एक छोटा सा मंदिर है जो बहुत ही ज्यादा साल पुराना है, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत यादें आ रही है। जब मैं 10-15 साल पहले जब मैं आया था अपनी मॉम के साथ, तब ये मंदिर थोड़ा बहुत याद आ रहा है मुझे। अंदर जाऊँगा तो अच्छे से पता चलेगा, बहुत ही पुराना मंदिर है। आप सभी को ले जाता हूँ मैं अंदर और दिखाता हूँ। तो मम्मी मंदिर का नाम है नारायण पाल मंदिर। नारायण पाल, और ये 1600 ईस्वी में बना है। 1600। हाँ जाएंगे ना जूता निकाल के। वाह डैम, ये जो इधर दिख रहा, इधर जो बड़ा सा मैदान, हाँ मैदान में यहाँ के राजा के साथ में अंग्रेजों का लड़ाई हुआ था इस मैदान, ये वाले मैदान में, इस मैदान। अच्छा। और जो यहाँ पे अंग्रेज और मुस्लिम ना, तो यहाँ की जो छत है ऊपर में, हाँ। वो वहाँ टूट गई है वाला जो पोर्शन है, ये वाला अभी इसको रिपेयर किए हैं, हाँ। अभी बना, ये पूरा गिरा हुआ था, हाँ दिख रहा है नया नया थोड़ा सा, पूरा हाँ। अलग से वो मिला करके डिजाइन बनाया है। किसने तोड़ा था? औरंगजेब ने। औरंगजेब तोड़ा था। ओ गणेश जी हो, मतलब देखने में इतना सेटिस्फाइंग, देखना आर्ट, देख डिटेलिंग देख। अभी बनाया 5-6 साल हुए, नहीं तो ये गिरा हुआ था पूरा, बाकी पूरा हर लाइन पे बराबर है पूरा, ये कहीं थोड़ा सा भी वो नहीं है, सोच सकते अभी हम कुछ बना नहीं सकते ऐसा, वही ना, मतलब बहुत ही ज्यादा ना वो चीज है, मतलब अभी अभी के भी लोग को इतना टाइम लग जाता है ऐसा चीज बनाने में, मतलब डिटेलिंग में। उस टाइम तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, उस टाइम मतलब कुछ ऐसा उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं था कि इतना अच्छा शार्प कटिंग कर पाए। पानी भगवान को नहलाते है ना, तो ये पानी आके फिर वाह वाह, मतलब सब चीज प्रॉपरली डिजाइन, सारी चीज एक ही पत्थर में चला रखा है। वो अजंता एलोरा वाला जो है ना, वो सिर्फ पहाड़ को काट के बनाया है, और उससे नहीं बनता है, वो ऊपर से कट होते हुए, हाँ कट हुए करके फिर नीचे आता है, हाँ हाँ अलग। मम्मी पूरा एलियन पावर है ये, मैं बता रहा हूँ, एलियन पावर है सब, एडवांस टेक्नोलॉजी। खुशी सोच रही है उस टाइम जब मोबाइल फोन नहीं था तब ऐसा आर्ट बना के दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो बाहर से तो मैं आपको अच्छे से दिखा चुका हूँ सब सारी चीजें, अब अंदर जाते हैं और अंदर जो चीज है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये टूटा हुआ था, हाँ गिरा हुआ नीचे, वाओ डैम। पाल विष्णु मंदिर।
क्योंकि इस गांव का नाम नारायण पाल है, हाँ, नारायण नारायण भगवान विष्णु का नाम है, इसीलिए नारायण पाल विष्णु मंदिर। अच्छा मम्मी तू तो यही बाजू में रहती थी बचपन में, तो हमेशा यहाँ खेलने वेलने आया आती। मैं यहाँ तक हमेशा मैं आती थी रोज खेलने ना, खेलने आते थे हम, इधर दौड़ने आते थे, घूमने आते थे। और यहाँ की हिस्ट्री हमको जब मैं पढ़ी कॉलेज में ना हिस्ट्री, तब मुझे पता चला कि यहाँ जो मैदान है वहाँ पे युद्ध होता था। हाँ, औरंगजेब और बस्तर के राजा के साथ लड़ाई हुआ और बस्तर में इस छत को औरंगजेब ने तोड़ दिया। तोड़ के यहाँ नीचे गिरा हुआ था, हम यहाँ आते ही थे, प्राय आते थे। तो गिरा हुआ जो छत था वो देखी थी तू? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी आँख से देखी थी। मैं तो यहाँ मैं खुद देखा हूँ। आप भी देखे हो? गिरा हुआ मुझे भी याद, लेकिन बहुत साल पहले। हाँ आप दिख रहा है, विष्णु जी की मूर्ति। तो भाई लोगों, हमने मंदिर बढ़िया से घूम लिया और आप सभी को मैं सब दिखा दिया हूँ। तो अब चलेंगे चित्रकूट, और फोटोज वोटोज भी मेरी माँ ने खिंचा लिया है, लेकिन वो पापा के फोन में, और मम्मी को इतना पेशेंट लेस हो गई है कि मम्मी को तुरंत फोटो चाहिए और तुरंत फेसबुक में डालना है। मैंने ले लिया और ले भी लिया मम्मी ने, और मम्मी ने डाल भी दिया है। हाँ चलते हैं आगे, वहाँ से हम जाते थे पहले कहाँ, जब रोड नहीं था तो पूरा पानी का ट्रैवल करके सब्जी भाजी लेने। सब्जी भाजी जगदलपुर हम जाते थे, क्योंकि जिला जगदलपुर था ना। हाँ। तो कोई भी काम हमको जगदलपुर, नाव में इंद्रावती नदी में नाव चलती थी उस समय, नाव में बैठ के जाते थे। और एक रुपए दो रुपए उस समय नाव, राइडो का बाजार लगता है ना। हाँ। तो जिसका बहुत सारा सामान रहता था तो वो नाव में ही उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेके पूरा नाव पार करा। जैसे फ्लाइट में एक्स्ट्रा लगेज 15 किलो से ज्यादा नहीं ले जाना है। और उस समय ना 10-15 नावें चलती थी एक साथ, खासकर खासकर बाजार के दिन, मार्केट के दिन। हाँ, शुक्रवार बाजार के दिन आसपास के सारे, ये जो शुक्रवार का जो फ्राइडे बाजार है वो पूरा पॉपुलर है इधर का। अच्छा, बस्तर का लोंडेगुड़ा जो बाजार है ना, वो किसी मेले से कम नहीं। अच्छा। तगड़ा बाजार लगता है और इधर पूरे एरिया के लोग आते हैं, इसलिए उस दिन 15-20 नावें चलती थी और नाव में ही मस्त मजा आता था इधर से उधर जाने में। नाव में ना बहुत मजा आता है। और मैं बचपन में नाव में बहुत सफर करी हूँ, और मेरे को नदी में भी तैरना आता है। तैरना आता है। मम्मी तो एक बार डूब रही थी, लेकिन खुद अपने आप को बचा भी ली ना मम्मी। मेरे को नहीं आता स्विमिंग। हम लोगों को ना स्विमिंग उमिंग सीखना चाहिए, कुछ सीख सकते हैं, अभी जाएंगे तो सीख लेंगे। बट गांव का वाइब अलग ही है, मतलब बस्तर का वाइब टोटल डिफरेंट। बस्तर में लोगों के जो वो है ना, क्या एज ज्यादा है। हाँ हाँ, मतलब लाइफ स्पैन, मतलब ज्यादा साल जीते हैं लोग। कल्चर, खान पान, रहन सहन, फ्रेश है, फ्रेश। हाँ, क्योंकि यहाँ वाटरफॉल इतने सारे हैं, नेचर, जंगल तो जंगल ही जंगल है यहाँ पे। हाँ, तो मतलब ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो रहेगा वो प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगा। हमारे हिंदुस्तान का 70% जंगल, नहीं नहीं छत्तीसगढ़ का ही, केवल छत्तीसगढ़ में 17%। प्राउड टू बी अ छत्तीसगढ़िया। कितना परसेंट पापा? 17% पूरे इंडिया का, मतलब बहुत ज्यादा होता है भाई, केवल बस्तर में। हाँ केवल। कमाल कमाल, बढ़िया। पैसा हो गया मम्मी पापा के पास? मेरे को भी दे दो थोड़ा सा। देना तो पड़ता है ना भाई, कोई बैठे बेचारे 4-5 लोग। बात तो सही है, टूरिज्म, हम अपने छत्तीसगढ़ का टूरिज्म तो बड़ा। तो गाइस, हम लोग चित्रकूट पहुंच चुके हैं और यहाँ का भीड़ देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा मेला लगा है, बट दिस इज अ वेरी वेरी बिग टूरिस्ट प्लेस। यहाँ से अब्रॉड से बहुत सारे लोग आते हैं, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है यहाँ पे। बट पानी इतना सुंदर दिख रहा है, शायद आपको आवाज़ सुनाई आ रही होगी ऑलरेडी। आपको दिखाता हूँ मैं एशियाज मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट वाइडेस्ट वाटरफॉल। तो आर यू गाइस एक्साइटेड? अगर एक्साइटेड है तो पहले लाइक बटन दबा दीजिए, उसके बाद मैं आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ।